हेलो एवरीवन, मैं हूं देव परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। आज जो है वो मैट्रिक क्लास की फर्स्ट चैप्टर जो है गैसी सेक्शन, उसके लास्ट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। और ये लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सबसे पहले डिसऑर्डर का जो है वो मतलब क्या है। डिसऑर्डर का मतलब है कि एक ऐसा बॉडी का निज़ाम, बॉडी का ऑर्गेन या बॉडी का सिस्टम जो अपने नॉर्मल पैटर्न पे काम ना करता हो, और वो नॉर्मल पैटर्न से हटके जो है वो या काम करता ही ना हो, या जो है वो हटके कोई और काम करता हो, तो उसे हम जो है वो डिसऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या इन्फेक्शियस एलिमेंट्स में इन्हें कहा जाता है। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो है वो आगे वीडियो की तरफ बढ़े। सबसे पहले जो है वो मैं जो इशू डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के अंदर जो है वो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वे। हमारे जो एयर को लंग्स की तरफ ले जाने और बाहर निकालने के जो रास्ता है, जिसे हम एयर पैसेज वेज कहते हैं, एयर ट्यूब्स कहते हैं, या ये जो है लंग्स की ट्यूब्स कहते हैं, नोस्ट्रल से लेके जो है वो अल्वियोलर डक्ट तक, इन एयर पैसेज वेज का जो है वो इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन लफ्ज से मुराद है कि इसकी सूजन हो, या इसमें पेन हो, इसकी जलन हो, या इसमें जो है वो इरिटेशन हो, कुछ भी ऐसा मसला हो, उसे हम जो है इन्फ्लेमेशन कह सकते। और सेकंड नंबर पॉइंट ये है, इट इज़ कॉज बाय स्मोकिंग और बैक्टीरिया। ब्रोंकाइटिस जो है ये आप नाम से ही जो है वो पहचान गए होंगे कि ये ब्रोंकस का जो है वो इशू है। ब्रोंकस कौन सी ट्यूब, जब ट्रेकिया हमारे थोरक्स में नीचे लंग्स की तरफ दो हिस्सों में डिवाइड होती है, तो उन दो हिस्सों को, हर एक हिस्से को हम ब्रोंकस कहते हैं। और उन लंग्स के बाहर और ट्रेकिया के डिवाइड होने के बाद, तो ये जो है ना उनका इशू है, ब्रोंकाइटिस उन ट्यूब्स का इशू है। और इसका जो कारण है, इस मसले का जो कारण है, वो सबसे पहले तो स्मोकिंग है, सिगरेट पीना, और उसके बाद जो है कुछ बैक्टीरिया हैं जो भी इस मसले को जो है वो जन्म दे देते हैं। और इनके सेप्टम कौन से हैं, मसलन कि ये अगर ब्रोंकाइटिस हो जाए तो ये हमें कैसे, इनके सेप्टम क्या नज़र आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले जो है कफ है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कोई भी हो उसमें कफ जो है वो नॉर्मली सेप्टम पाया जाता है। म्यूकस सीक्रेशन है, म्यूकस सीक्रेशन का मतलब है बलगम का जो है वो इजाफी बनना। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस का जो है वो तकलीफ से लेना। और लो फीवर, और इन्हें जो है हल्का बुखार, लो फीवर जो है इन पेशेंट्स को या इन बंदों को जो है होना शुरू हो जाएगा या आना शुरू हो जाएगा, जो ब्रोंकाइटिस मसले में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर जो आ जाता है वो है नमूनिया, इसे न्यूमोनिया भी लोग पढ़ते हैं। तो ये मसला जो है ये अल्वियोलाई से वाबिस्ता है। अल्वियोलाई आर फिल्ड विथ फ्लूइड और पस। अल्वियोलाई जो हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस हैं, एयर बैग्स हैं, लंग्स के अंदर जो पाई जाती हैं, जो ब्लड कैपिलरी से घेरी हुई हैं, उनके अंदर जो है एक फ्लूइड या एक जो है वाइट सा ऐसा जो है वो पानी भर जाता है, जिसे पस भी कहा जाता है। और इसकी सेकेंड पॉइंट ये है, इट इज़ कॉज बाय स्पेशल बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। इस जो है नमूनिया का सबसे मेन कारण जो होता है वो बैक्टीरिया होता है, जिसका नाम है न्यूमोकोकस। और उसके बाद कुछ वायरसेस भी हैं, उनसे भी ये हो जाता है, वो फंजाई से भी कभी कभी जो है ये न्यूमोनिया जो है ये हो जाता है। फंगल न्यूमोनिया उसे कहा जाता है, वायरल न्यूमोनिया उसे कहा जाता है, और बैक्टीरियल न्यूमोनिया जो है वो कॉमन पाया जाता है, जो मसला होता है। और इसके सेप्टम जो हैं, इसके जो आसार हैं कि जब ये मसला हो जाता है तो इसके सेप्टम कौन से हैं, इसकी निशानियां कौन सी हैं, तो सबसे पहले डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेना जो है वो दुश्वार हो जाता है इस बंदे को, और फीवर, उसे बुखार आ जाना शुरू हो जाता है, कफ भी होती है, चिल एंड चेस्ट पेन। चिल का मतलब है एक जिस्म में ऐसी जो है वो कोल्डनेस फील करना, जो एक एबनॉर्मल हो और अच्छी ना लगे, तो उसे जो है चिल कहा जाता है। और चेस्ट पेन, उसकी जो छाती है, थोरैक्स वाला जो पार्ट है जिसमें लंगे, वहाँ पे पेन जो है वो बंदा फील करता है। इसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है लंग कैंसर।
कैंसर जो वर्ड है, लंग तो हमारा एक ऑर्गन है सांस लेने का, लेकिन कैंसर वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड करकी कोमा से लिया गया, जिसका मतलब है क्रेब। क्रेब के लिए ये वर्ड जो यूज़ किया गया था, और उसका मतलब ये है कि ये ऐसा इशू है जिसमें ऐसी ग्रोथ होती है, ऐसी जो है वो बल्ब या ऐसी जो है वो आप कह लें कि एक आउट ग्रोथ ऐसी बन जाती है हमारे जिस्म के अंदर, जो क्रेब की तरह जो है वो मूव नज़र आती है, तो उस हिसाब से इसे जो है कैंसर लफ्ज यूज़ किया जाता है। सबसे पहले ये लंग कैंसर जो है ये जब हो जाता है तो इसमें क्या मसला नज़र आता है, एबनॉर्मल और अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ लंग सेल्स। हमारे लंग के अंदर जो है वो ऐसी ग्रोथ हो सेल्स की जो एबनॉर्मल हो और वो अनकंट्रोल हो, वो ग्रोथ जो है वो होती रहे, सेल जो है वो डिवाइड होते रहें, और वो जो है बल्ब की या जो बड्स की या जो आउट ग्रोथ जो है वो बनती रहे हमारे सेल्स के अंदर, लंग्स के अंदर, लंग्स के सेल्स के अंदर, लंग्स के टिश्यूज के अंदर। तो ये अनकंट्रोल जो सेल्स की डिवीजन है और ये जो आउट ग्रोथ है इसको जो है वो लंग कैंसर कहा जाता है। इट इज कॉज बाय स्मोकिंग। सबसे पहले जो है वो सिगरेट जो है ये मेन रेस्पिरेटरी तकरीबन सारी डिजीज का जो है वो कारण बनता है, लेकिन लंग कैंसर जो है इसमें ये कॉमनली हो जाता है। एयर पॉल्यूशन जो है वो इसका मेन कारण है वगैरह। ये एयर पॉल्यूशन का मतलब है आप ऐसी एयर में रहें जो साफ ना हो, जिसमें डस्ट हो, जिसमें फुर ऐसे जो है परंदों के जो है पर या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है, ये जैसे जो है फार्म पाए जाते हैं बर्ड्स के, वहाँ पे जो है ऐसे फो वगैरह ये उड़ते रहते हैं, तो वहाँ से जो है लंग कैंसर का होना जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। और इनके सेप्टम या इनकी निशानियां जो है लंग कैंसर की वो ये हैं, कफ वो तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का कॉमन जो है ये सेप्टम है, उसके बाद कफ के साथ ब्लड आना, ये लंग कैंसर का जो है निशानी है। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का जो है वो बहुत ही तकलीफ से लेना, और रिपीटेड लंग इन्फेक्शंस, लंग के जो है वो बार बार इन्फेक्शन आना, लंग में जो है वो इश्यूज होना, और वेट लॉस हो जाता है इस बंदे का, और बोन एक होते हैं मसलन बोन के जो है वो अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, वीकनेस आ जाती है उस बंदे को, फैटिग फील करता है मसलन के उस बंदे को जो वो ऐसा फील होता है कि वो बिल्कुल उसका वजन जो है वो कम हो जाता है, उसके जिस्म में जो है वो ऐसे लाइटनेस आ जाती है एक, तो इस हिसाब से ये लंग की जो निशानियां है जो बंदा फील करता है जब लंग कैंसर में जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। इसके बाद जो है वो इशू आ जाता है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा जो है एल्वियोलाई की लगातार जो है वो टूटने का अमल है। यहाँ पे अगर आप देख लें, इट इज़ प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का जो है वो एल्वियोलाई टूटती रहती है, रिपेयर होती रहती है, लेकिन वो टूटती ही रहें तो उन्हें हम जो है वो एम्फीसीमा कहेंगे। अगर एल्वियोलाई में फ्लूड या पस भर जाए तो उसे हम ब्रोंकाइटिस कहेंगे। तो ये डिसऑर्डर के बीच में जो है वो डिफरेंस है। और ये इसका कारण को एम्फीसीमा का, इट इज कॉज बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। जो हमारे फैक्ट्रियां हैं, कारखाने जो हैं या ऐसे फार्म वगैरह हैं, वहाँ पे जो एयर होती है वो साफ नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है, वहाँ पे बंदे जो अपने नाक मुंह को जो है वो कवर करके काम नहीं करते, तो इन बंदों को वो बंदे लॉन्ग टर्म जब ऐसे जो पॉल्यूटेड एयर में या इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स के अंदर जो रहते हैं और उन्हें इनहेल करते रहते हैं, तो उन बंदों की उन बंदों के लंग्स में जो एल्वियोलाई है वो जो है टूटती ही रहेंगी, टूटती ही रहेंगी, तो उस हिसाब से वो जो है एक ऐसे एम्फीसीमा जैसे मसले में जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनके बाद इनकी जो निशानियां हैं वो है लेबोरियस ब्रीथिंग। ये बंदे जो है बहुत ही तकलीफ से जो है वो सांस लेते हैं, कफ इनको होती रहती है विथ फिल्म प्रोडक्शन। फिल्म प्रोडक्शन का मतलब है कि कफ के साथ एक अजीब सा साउंड जो है वो निकलता है, ऐसे बंदे जो एम्फीसीमा से में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस हिसाब से उसे जो है वो फिल्म प्रोडक्शन कहा जाता है, और उसके साथ पानी भी बाहर निकलता है कफ के साथ साथ थोड़ा सा, तो इस हिसाब से ये बंदे जो है वो एम्फीसीमा के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस लेक्चर में लास्ट जो हम डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं वो है एस्थमा, इसे दमा भी कहा जाता है, और इसकी फर्स्ट पॉइंट ये है कि एस्थमा है क्या।
इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स, लंग्स के जो एयरवेज हैं, लंग्स के जो ट्यूब्स हैं, उनका जो है ये इन्फ्लेमेशन है, मसलन कि उनकी सूजन है या उनका फट जाना, ऐसा कोई कंडीशन है, तो उसको जो है वो एस्थमा कहते हैं। और एस्थमा जो है इट इज एलर्जिक रेस्पॉन्स टू पोलन। एस्थमा जो है ये एलर्जी वाला, एलर्जी जो वाला जो है वो रेस्पॉन्स होता है। एलर्जी का मतलब है नेगेटिव रेस्पॉन्स टू सम एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो उस हिसाब से उसे जो एलर्जी कहते हैं। और ये एलर्जिक रेस्पॉन्स है पोलन की तरफ से। पोलन जहाँ पे होंगे, पोलन मीन्स जो फ्लावर्स होते हैं उनका, उनमें जो वो पोलन्स होते हैं उनसे जो है इनकी ये एलर्जी वाला रेस्पॉन्स है। डस्ट अगर होगी तब भी ये जो है उससे एलर्जी होती है, और स्मोक से बिल्कुल एलर्जी होती है। फुर जो है, फुर मीन्स हेयर, जो बिल्कुल थिन हेयर है उनसे जो है बिल्कुल एलर्जी होती है। फीदर से भी जो है इस कंडीशन में एलर्जी होती है। और अदर ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पॉल्यूटेड एयर में पाए जाते हैं और एयर को पॉल्यूटेड करते हैं, वो एयर जो है वो बिल्कुल साफ नहीं होती सांस लेने के हिसाब से, तो वहाँ पे जो है इस कंडीशन को उसका उसकी जो है वो एलर्जिक फॉर्म या एलर्जिक जो है कंडीशन जो है वो कहा जाता है। तो इसकी सेकेंड पॉइंट वो ये है कि इट इज़ काज बाय इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज हों या ऐसे एरिया जहाँ पे फार्म्स हैं या एयर जो है वो डस्टी है, एयर जो है वो साफ नहीं है वहाँ पे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हालात हो सकते हैं जैसे वेट थ्रेशर है, उस कंडीशन में जो है वहाँ पे एयर जो है वो पॉल्यूटेड होती है, साफ़ नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं, मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे ऐसे पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं एयर में जो सीधे हमारे जो है एयरवेज में चले जाते हैं लंग्स की तरफ, और लंग्स की जो ट्यूब्स हैं जैसे एयरवेज हैं उनमें जाके वो फंस जाते हैं या वहाँ पे वो जो है स्टक हो जाते हैं। तो इस हिसाब से मेन काज जो है इस अस्थमा का वो है एयर इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स हैं। इसके बाद इसकी जो निशानियाँ हैं कि दमा जब हो जाती है तो दमा की निशानियाँ कौन सी है, सेप्टम कौन से हैं। सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है, चेस्ट का पेन होता है, फीवर हो जाता है दमा में, वीजिंग साउंड ड्यूरिंग आउट ब्रीथ और कफ। जब ये बंदा खांसता है, जब जिस बॉडी में दमा हो जाती है, जब वो बॉडी खांसती है तो उसमें जो है एक वीजिंग साउंड, सीटी वाला साउंड जो है वो डेवलप होता है, तो उस हिसाब से वो जो है वो अस्थमा की कंडीशन है और उस कंडीशन को अस्थमा कहा जाता है। ये थी कुछ जो है कॉमन टॉपिक्स रेस्पिरेटरी कंडीशंस या डिसऑर्डर्स के हवाले से। ऐसे बहुत सारे और भी होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है या आप ये नॉलेज इंजॉय कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं सेकंड चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। तो थैंक यू वेरी मच।